हेलो। हाँ हेलो, कौन जी, एडवोकेट सा बोल रहे हैं? जय भीम प्रकाश बोल रहा हूँ। अच्छा जी साहब, मैं नारायण यादव बोल रहा हूँ जी। जी जी मैं आगरा से बोल रहा हूँ। हम्म, मैं ये पूछ रहा हूँ, बौद्ध भगवान नहीं है, आप बौद्ध का प्रचार करते हैं, आपको कुछ बहुत जानकारी, आपसे कुछ जानकारी लेनी है मेरे को। मैं क्या कह रहे हैं, बुद्ध भगवान नहीं है। हाँ आपसे ये पूछ रहा हूँ, बुद्ध आपसे आप बौद्ध का प्रचार करते हो ना, तो आपसे जानकारी मिल सकती है, मांगो दे दोगे जानकारी? हाँ पूछिए, बताइए, जितनी होगी बताऊंगा मैं आपको। हाँ हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बौद्ध भगवान, बौद्ध को आप भगवान नहीं मानते हैं, फिर आप ये बौद्ध कौन है? ये किसने कहा कि बौद्ध लोग जो हैं बुद्ध को भगवान नहीं मानते। भाई साहब, मैं आपकी यही आपके वीडियो देखता रहता हूँ, आपके आपके सारे की आपका नंबर मिल गया, अच्छा मैं आपके पास कॉल कर दी है, अभी देखता हूँ कि बोले बौद्ध भगवान नहीं है, बौद्ध केवल ये है वो है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बौद्ध भगवान नहीं, फिर ये कौन है? देखो भाई साहब, क्या नाम आपका? नारायण यादव नारायण यादव। नारायण जी। यादव जी, दो शब्द हैं, ठीक है। ओके। एक शब्द है ईश्वर हाँ और एक शब्द है भगवान, हाँ और दोनों शब्दों में बड़ा फर्क हाँ है। जो ईश्वर शब्द है वो हाँ चमत्कारों पे आधारित है, हाँ यानी कि छू करा और प्रणाम हाजिर, वो तो हो गया ईश्वर। अच्छा और जो भगवान है, हाँ भगवान जो है कर्म पर आधारित है। अच्छा भगवान शब्द जो है उसका मतलब होता है कि भग रागो भग दोषो भग मोहो, यानी कि इंसान, कोई भी इंसान जो है उसके ओके पास जो है इंद्रियां हैं, ठीक और जो इंद्रियां हैं उसके विषय हैं। जैसे कि आंख एक इंद्रिय है ना, ओके तो आंख का जो विषय है वो है दृश्य। ओके जैसे ही आंख जो है दृश्य को देखती है तो उसमें राग द्वेष मोह पैदा होता है। ओके या तो दृश्य अच्छा लगेगा या दृश्य बुरा लगेगा। ओके दृश्य अगर अच्छा लगा तो उसमें राग पैदा हुआ और देखना है। जैसे आप फिल्म देखते हो ना, तो हाँ, कोई भी सही, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ फिल्म जो है आप जो है घंटों घंटों देख लेते हो। ऐसे ही कोई दृश्य आपको बुरा लगा तो हाँ आप कहते हो नहीं देखना, घृणा आती है, द्वेष हो जाता है उससे। तो ओके ओके सही बात है, बोल। इस प्रकार से जो व्यक्ति सम रहता है, यानी कि दृश्य को देखने की जितनी आवश्यकता है आपको उतना ही दृश्य देखे, हाँ उसे कहते ओके हैं इंद्रियों का संयम। ओके और जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर पूर्णतया संयमित हो जाता है ओके उसे कहते हैं भगवान। भग रागो भग दोषो भग मोहो, यानी जिसने राग द्वेष और मोह का भगन कर दिया है, त्याग कर दिया ओके है, अब उस पर जो है इन राग द्वेष और मोह का कोई असर नहीं होता है, वो सम्यक हो गया है, तो हाँ उसे भगवान कहते हैं। अब ये देखिए, दोनों में फर्क है ना, ईश्वर शब्द में फर्क है और भगवान शब्द में फर्क है। ईश्वर जो है पैदा होते हैं, अवतार होते हैं, जैसी मान्यता है हिंदुओं की। हाँ लेकिन भगवान जो है पैदा नहीं होते हैं, ना ही क्या नाम है जो है वो चमत्कार करते हैं, बल्कि भगवान जो है व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर बनता है। जैसे कि बुद्ध जो है पैदा नहीं अच्छा हुए, सिद्धार्थ पैदा हुए, हाँ हाँ एक व्यक्ति पैदा हुआ और उसने जो है अपने कर्म के आधार पर उस बुद्धत्व को हासिल किया। अच्छा उसने क्या कर्म किया, अपनी इंद्रियों पर जो है संयम हासिल किया, हाँ और जब इंद्रियों पर पूरी तरह संयम कर लिया तो बौद्ध धर्म में जो है कई अवस्थाएं होती हैं। हाँ एक अवस्था होती है निब्बान की, जिसे निर्वाण कहते हैं। तो निर्वाण की स्थिति में जो है बहुत से लोग पहुंचे, अच्छा लेकिन जो बुद्ध की स्थिति में पहुंचते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं, और जो सम्यक संबुद्ध होते हैं उसमें जो है सिर्फ ये जो हमारे गौतम बुद्ध हैं ये पहुंचे हैं, अच्छा ठीक है। अच्छा, ये चीजें ऐसा नहीं है कि हमारे लिए अलग हो आपके लिए अलग हो, ये पूरे संसार के लिए जांच का विषय है। हाँ वो तो ठीक से आप मदद जो किया। भी हाँ आपसे मैंने बातें करी हैं उस बात को कोई भी जान सकता है, हाँ सही बात है। और जब हम इनकी जांच करते हैं तो वो एज इट इज पाई जाती हैं, चाहे किसी भी देश में जांच कर लो, चाहे किसी भी समय में जांच कर लो, चाहे किसी भी व्यक्ति से जांच कर लो, ऐसी ऐसी पाएंगी आपको, जिसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं पाएगा आपको। ठीक है। लेकिन जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो ईश्वर का जो चमत्कार का जो सिद्धांत है वो हमें कहीं पर भी सफल होता दिखाई नहीं देता, अच्छा क्योंकि ईश्वर अगर चमत्कार करता है तो वो चमत्कार जो है दुखी लोगों के लिए क्यों नहीं करता, भूखे लोगों के लिए क्यों नहीं करता, बेरोजगारों के लिए क्यों नहीं करता। दुनिया में इतना मतलब दुख है, उसके दुख को दूर करने के लिए चमत्कार क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है जो बौद्ध लोग जो है बस यही प्रयास कर रहे हैं कि भाई देखो, आप जो है ये जो चमत्कारों में विश्वास करके आप जो है इतना अपना अनिष्ट कर रहे हो, इसको मत करो और आप जो है कर्म करो।
आपके कर्म ही परिणाम देंगे। अच्छा कर्म होगा तो अच्छा परिणाम आएगा और बुरा कर्म करो तो बुरा परिणाम आएगा। ये तो आप बता सकते हैं। हाँ, इतनी सी बात हम बताते हैं, आप बताइए आपको क्या पूछना है। और तो बस मैंने आपको ये पूछा था, आपकी जैसे आपने देखा तो वीडियो देखा है जो आपके बुद्ध दम्बाले ना, वही कई वीडियो आते हैं, बुद्ध भगवान नहीं है, बुद्ध अवतार नहीं किसी के, बुद्ध भगवान नहीं है। अच्छा, और किसी का नंबर नहीं था आपका। यादव जी, यादव जी बोलो साहब, सभी लोगों को जानकारी नहीं है। हाँ, और अधिकतर वे लोग बौद्ध बन गए हैं जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अनुयायी हैं। हाँ, और उनके अनुयायी होने के कारण, उनसे बहुत प्रेम करने के कारण, उनको पूजनीय माने के कारण, जो है जो उन्होंने कहा उसका बस अनुसरण कर लिया और बौद्ध बन गए। उसके बाद बौद्ध बनने के बाद जो है उसका आचरण नहीं किया, अध्ययन नहीं किया। हाँ, तो वहाँ थोड़ी समस्या पैदा हो जाती है, वो ईश्वर को ही भगवान समझ लेते हैं। अब मैंने आपको समझाया ना, अब जो मैंने आपको समझाया है वो अध्ययन करके समझाया है। अब मैंने अभी MA किया है बुद्धिस्ट स्टडी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके, और अब PhD भी करूँगा। अच्छा, तो फर्क तो पड़ेगा ना। हाँ, पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। जिसने किसी ने एक किताब भी नहीं पढ़ी है और मैंने कितनी सारी किताब पढ़ ली है। हाँ, और इतना सोच विचार चिंतन मनन भी कर लिया है, खूब गहराई से सोच लिया है। तो यही बात है यादव जी, और कोई बात नहीं है। नहीं फिर ऐसा है, कोई आप बोलते हैं भगवान ईश्वर नहीं है, लेकिन ये चमत्कार कुछ दिखाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा इस बार। देखो यादव जी, मेरी बात सुनो। हाँ, हम जो है कभी ये नहीं कहते कि ये चीज है या नहीं है। हम कौन होते हैं किसी भी निर्णय को देने वाले? व्यक्ति, हर व्यक्ति सुनिए, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि ईश्वर है तो हम कहते हैं ठीक है, जांच कर लेते हैं, मिल जाएगा तो मान लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं मानेंगे। लेकिन जब तक जांच करके उसको मिल ना जाए तो मान नहीं लेंगे उसको। कुछ ऐसे बोलते, तुम ईश्वर को मानो, हम जिसको मानते हैं उसको मानेंगे। देखिए ऐसा नहीं होता है कि आपके लिए जो है ईश्वर अलग हो जाए और दूसरे व्यक्ति के लिए अलग हो जाए, किसी के लिए अल्लाह हो जाए, किसी के लिए ईश्वर हो जाए। पूरे संसार में जितने भी इंसान पाए जाते हैं, सभी जो है पानी पीने से उनकी प्यास बुझती है, खाना खाने से उनकी भूख मिटती है। ये आपकी बात ठीक है, मुसलमान लोग हैं वो मस्जिद में क्यों जाते हैं फिर? भाई उन्होंने अपनी मान्यताएं अपने आप बनाई है ना, ना तो अल्लाह ने आके बोला है कि मस्जिद बनाओ और वहां जाओ, ना ईश्वर ने आके बोला है कि मंदिर बनाओ और वहां जाओ। ये तो इंसानों ने अपनी कल्पनाओं के आधार पर कल्पनाएं सोचता गया यार ईश्वर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अब जो बुद्ध की हम मूर्ति देखते हैं ना, बुद्ध की मूर्ति जो है बुद्ध के समय बनी नहीं है, क्योंकि उस टाइम तो मूर्ति कला थी नहीं। लगभग पहली शताब्दी में जब महाराजा कनिष्क का काल आया, उस समय मूर्ति कला जो है विकसित हुई। अब लगाइए वो लगभग जो है 400-500 साल बाद बुद्ध की मूर्ति बनती है, क्या वो सेम हो सकती है क्या जैसे बुद्ध थे? नहीं हो सकती। लेकिन बुद्ध के जो है ना गुणों की व्याख्या हुई है, जो बुद्ध के गुणों की जो व्याख्या हुई, उन गुणों के आधार पर बुद्ध की मूर्तियां बनी। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे आपने अपने किताबों में पढ़ा कि बुद्ध में ये चीज थी, उसी प्रकार से मूर्ति बना रखी है। जैसे आप ग्रंथ उठा के देखिए भगवान यादव जी, यादव जी बोलो साहब, हम किताबें पढ़ते हैं। हाँ, ओके। और किताबें कोई लिखता है। हाँ, और किताबें जो लिखता है उसकी मर्जी है कि वो किताब में क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है। ठीक है, ठीक है ना। अब मेरे माइंड में कोई विचार आया और मैंने किताब लिख दी, वो सही व्यवस्था है गलती व्यवस्था है। इसलिए कोई भी किताब जो है अल्टीमेट हो गई है कि हाँ भाई इस किताब में जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, ये मूर्खता है। हमें हमेशा जो है किसी की बात सुनते हुए, कुछ देखते हुए और कुछ पढ़ते हुए सतर्क रहना चाहिए, जांच करते रहना चाहिए कि भाई ये सही है या गलत है। हमें किसी भी चीज को जो है संदेह की दृष्टि से परे नहीं रखना चाहिए, हमेशा उस पर पूरे संदेह लाकर उसकी अच्छी तरह जांच कर जब उस पर अनुसरण करना चाहिए। तो भाई साहब आपसे मैं ये तो पूछ रहा हूँ, जैसे आप बता रहे 400-500 साल पहले ये उनकी जो वो थे बुद्ध जो पहले थे 400-500 साल पहले मान के लो आप, उसके बाद ये चित्रकला सामने आई है मूर्ति की, उसके बाद फिर कैसे डिसाइड कर लिया कि यही मूर्ति थी, ये ऐसे गौतम बुद्ध थे? अच्छा, आपने कहीं पर ये पढ़ा है कि यही बुद्ध थे, ऐसा लिखा है कहीं पर? नहीं, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया है लेकिन आपने ध्यान से सुना नहीं उस बात को। हाँ जी साहब, मैंने कहा है कि उनके बुद्ध के गुणों की व्याख्या की गई है। मैं आपसे भाई साहब ये बात तो कह रहा हूँ, जैसे आप किसी ने लिख रखा है बुद्ध के बारे में। देखिए उदाहरण देता हूँ मैं कि ये गुणों की व्याख्या क्या होती है, उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे कि बुद्ध के